बुध मंगलमय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, हम सभी ने अनेकों बार सुना कि मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। सद्गुरु कबीर ने कहा कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर परा बहुर न लागे डार। और गोस्वामी तुलसीदास जी की तो पंक्ति लोगों को प्रायः याद भी रहती है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। महाभारत में आती बात की, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात् शिष्टम हि किंचित्। ये सारे कथन मनुष्य की विशेषताओं को बताते हैं, और मनुष्य की विशेषता यह है कि वह अपने जीवन को तराश सकता है, संवार सकता है, सुधार सकता है, परिवर्तन ला सकता है, जीवन में बदलाव ला सकता है। यदि सरल शब्दों में कहें तो मनुष्यों के अलावा जितने प्राणी हैं उनसे एक भिन्न स्थिति तक ले जाने के लिए कोई गुण है, वह है मनुष्य में। मनुष्य में और पशु में जो खास अंतर है, प्रकृति की ओर से जो विशेष वरदान मिला है, बहुत से हैं, वैसे तो बहुत से गुण हैं, लेकिन फिर भी जो एक विशेष वरदान है वह क्या है? मनुष्य को जो मिला है, मनुष्य मन पसंद के रास्ता चुनना की स्वतंत्रता है। मन पसंद के रास्ता चुनने को स्वतंत्र है, चुनाव कर सकता है। देखिए, एक रास्ता होता है, उसका हर समय दो दिशा होती है। आप कोई भी रास्ता देख लो, एक सड़क है तो वो दो दिशाओं की ओर जाता है। यही बात जीवन के लिए है। एक सतपथ है तो दूसरा कुपथ है। किसी भी काम को करने का एक सही तरीका होता है और दूसरा गलत तरीका होता है। कल थोड़ी सी शाम के समय चर्चा हुई थी कि जीवन जीने का एक सही तरीका है और जीवन जीने का एक गलत तरीका है। जब किसी काम को गलत तरीके से करते हैं, परिणाम भी गलत आता है, और किसी काम को जब सही तरीके से करते हैं तो परिणाम सही आता है। इसलिए जो ये बात कही जाती है कि भाई सोच विचार के काम करो, सोच समझ के काम करो, कोई भी काम हो सोच समझ के करो। बिना विचारे जो काम करता है उसका क्या होता है? बिना सोचे समझे, बिना विचारे कोई काम करता है तो क्या होता है? बहुत पुराने बचपने से आप हम सभी पढ़े हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में हो थसाए। ये काम बिगड़ जाता है, और दूसरी बात है जगत में हंसी होती है, अपमान सहना पड़ता है। यदि जीवन को बिना सोचे समझे जिए, तब जीवन को बिना विचार के जिए, तब क्या होगा? जीवन बिगड़ जाएगा और हम अपमानित जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे। इसलिए
जो सत्संग में जो बातें बताई जाती है, बहुत सारी बात बताई जाती है, लेकिन यदि उसको हम थोड़े में कंक्लूजन करें, बहुत थोड़े में उसको समझना चाहें, तो एक ही बात बताई जाती है, एक ही चीज दी जाती है, वह क्या है? सही समझ। सत्संग में सात बातों की एक बात, क्या कहते हैं ना, सौ बात की एक बात, सही समझ। और वो जो सही समझ भीतर हो जाती है तो हमारे जीवन के सब काम अच्छे होते हैं। फिर सही समझ जब हो गई उसके पश्चात ये नहीं बताना पड़ता है कि तुम गलत खाना पीना छोड़ो, गलत बोलना, क्योंकि समझ सही है ना, वो खुद ही समझ रहा है। और इसी को दूसरे उल्टा क्या है, उल्टी समझ। और इसी को शास्त्रों की भाषा में कहें तो अविद्या, और सही समझ है विद्या। आप कहीं भी पढ़ ली, विद्या और अविद्या की परिभाषा जब पढ़ेंगे तो यही बात आती है। उल्टी समझ यह अविद्या है और सही समझ विद्या है। और समझ से ही हमारे जीवन का निर्माण भी होता है, आचरण का निर्धारण भी हम करते हैं। जैसे बड़ा सरल ढंग से बताऊं मैं, एक आदमी को समझ है कि शराब पीने से मजा आएगा, है ना, समझ है ना, समझ ही तभी तो कर रहा है, या फिर मैं दुख से छुटकारा पा जाऊंगा। अब ये समझ के अनुसार क्या करेगा, वो शराब पिएगा। लेकिन एक दूसरे आदमी की समझ में क्या है, शराब जीवन के लिए जहर है, इसे छूना ही नहीं है। अब समझ देखिए, इसी में समझ की ही बात है। समझ सही है, जीवन अच्छा होता चला जाएगा। समझ गलत है, उल्टी है, तो जीवन गलत होता चला जाएगा। इसलिए सही समझ का होना बहुत जरूरी है और वो हमें प्राप्त होता है। और जब हम सही समझ से सोच विचार करके जीवन जीते हैं तो जीवन अच्छा होता चला जाता है। बिना विचारे करते हैं जीवन गलत होता चला जाता है। सद्गुरु कबीर ने तो ये भी बात कही है, करहु विचार तो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई, करहु विचार तो सब दुख जाई। देखिए दुख तो बहुत प्रकार के हैं साहब, दुखों का वर्णन नहीं करते, दुखों का कोई विश्लेषण या उनका वर्गीकरण नहीं करते। चाहे वो किसी न किसी रूप में, यदि आप दुखी हैं किसी कारण को लेकर के, तो उसका एक ही रास्ता, एक ही कहते ना, सब रोगों की एक दवा, सब रोगों की एक दवा। वैसे ही साहब कहते हैं कि करो विचार तो सब दुख जाए। विचार करो तो जीवन के सारे दुख चले जाएंगे, सभी दुख, चाहे जो दुख किसी कारण से, क्यों? विचार करोगे तो समझ में आने लगेगा। नहीं तो क्या होता है, बिना सोचे समझे हम जब व्यवहार करते हैं तो जब हमारे जीवन में जब अच्छा कुछ होता है, जब अच्छा कुछ होता है अर्थात हमें लाभ मिलता है, हमारी प्रशंसा होती है, हम अच्छे काम करते हैं, तब हम क्या कहते हैं अपने आप से, यह मैंने किया, क्योंकि मैंने मेहनत की ये पाया, मेहनत की मैंने अच्छा काम किया, मेरी प्रशंसा हुई, मेरा सम्मान हुआ, मैं ऊंचे पद पर गया। अच्छा काम जब भी हमारे जीवन में अच्छा होता है उसका क्रेडिट, उसका लाभ, उसका श्रेय हम खुद लेते हैं। लेकिन जब जीवन में गलत होता है, चाहे वो हानि हो रही हो, अपमान हो रहा हो, कोई भी उल्टा हो रहा हो, तब क्या हम इसे भी स्वीकारते हैं कि यह मैंने किया? तब दूसरों को दोष देने लगते हैं। हम अपनी असफलता का ठीकरा हम दूसरों के सिर पर फोड़ते हैं। मैं अच्छा, आप असफल क्यों हैं, या पूछो आप दुखी क्यों हैं, आप सफल क्यों नहीं हैं, आप बीमार क्यों हैं, आप लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, आप अशांत क्यों हैं? तब सुन लो, उनके पास में एक रेडीमेड उत्तर है। मैं तो चाहता हूं कि मैं सही जीवन जीऊं, सुख का जीवन जीऊं, लेकिन ये जो परिवार वाले हैं,
समाज। अब नाम गिनाते जाइए, पहले तो अपने शुरू करेगा पत्नी का नाम, बच्चों का नाम, माता पिता का नाम, फिर औरों का नाम लेते लेते, फिर वो गांव वालों का, फिर कहेंगे और करते करते राजनेताओं का। इतना दोष देते रहेंगे कि उनका विस्तार सुन लो फिर, और करते करते पहुंचेंगे क्या बताएं, ये ऊपर वाला भी नहीं समझता है वो भी पक्षपात करता है, उंगली उठाते हैं, भगवान भी बस उन्हीं लोगों का पक्ष करता है जो गलत हैं। सबको दोष वो देने लगता है। और एक बात आप समझ लीजिए, हम सभी जब तक हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका दोष दूसरों को देते रहेंगे, तब तक हम कभी भी प्रगति नहीं कर सकते। ये आप ध्यान दो। देखिए एक चीज तो बड़ा सरल है ना, आप और हम जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन हमारा ही तो जीवन है। आप बताइए, हमको जो जीवन मिला है क्या हमारे बदले कोई दूसरा जिएगा इस जीवन को? नहीं, कौन जी रहा है? हम जी रहे हैं। और इस जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो सुख मिले, दुख मिले, हानि मिले, लाभ मिले, हर्ष हो, शोक हो, स्वास्थ्य हो, बीमारी हो, मान हो, अपमान हो, शांति हो, अशांति हो, इसका कौन भोग रहा है? मैं, सही है कि नहीं? हम ही तो भोग रहे हैं, हम ही तो भोग रहे हैं इसको, जो कुछ हो रहा है उसको। ये कहां से आते हैं? जो कुछ मैंने अभी कहा वो कहां से आते हैं? जैसे बारिश होती है, सबके लिए होती है, सूर्य की रोशनी आ रही, धूप आ रही, सबके लिए, हवा चल रही है, सबके लिए है। क्या ऐसे ही हमारे सुख दुख ऊपर से आते हैं, हानि लाभ ऊपर से आते हैं? आप जब देखेंगे तो पता चलेगा नहीं। यदि ये आते तो सबके लिए बराबर होता। फिर जैसे मैंने कहा ना, भी सूर्य की रोशनी, सूर्य की ताप, क्या हम सबको अलग अलग लग रही है? आपके क्या लगता है? जो हवा चल रही है, जो बाहर हमको, जिससे हम प्राणवायु कहते हैं, ये जो हवा सबके लिए तो उपलब्ध है, सबके लिए बराबर है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा नहीं। और एक चीज और बता दूं, चलते चलते साथ बोलते कहते कहते, प्रकृति कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। ये आप ध्यान रखें इस चीज को, प्रकृति कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। यदि कोई ये मानते कोई ईश्वर है, तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि वह भी किसी के साथ में अन्याय नहीं करेगा, यदि वो समझदार होगा। तो क्या ऐसा है कि आप अच्छा भी करें तो भी आपके साथ में परिणाम गलत दे दे, और जो गलत करे उसको भी अच्छा परिणाम दे दे? ऐसा तो नहीं होगा। ये तो ना समझ आदमी कर सकता है, समझदार तो नहीं करेगा। यदि आप ईश्वर मानते तो ईश्वर तो सबसे ज्यादा समझदार होगा फिर। लेकिन यदि ईश्वर नहीं भी मानते हैं, तो कुछ ऐसा सिस्टम तो है, कुछ प्रकृति का एक विधान तो है। गुरुदेव जी कहा करते थे, इसीलिए नियम ही ईश्वर है, नियम ही ईश्वर है। नियमों का उल्लंघन करते हैं, इसका मतलब है आप ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं। यदि नियमों का पालन करते हैं तो आप ईश्वर की पूजा करते हैं, सीधी सी बात है, ईश्वर की पूजा करते हैं, यही तो नियम है। जैसे हम चार रोटी खाते हैं तो हमारा पेट बढ़िया से पचा लेता है, तो हम नियम समझ गए, चार रोटी खाना, पचाने की क्षमता मेरे डाइजेशन सिस्टम में, मेरे पाचन प्रणाली में सही है। लेकिन हम छह खा गए, अब छह खा गए तो क्या होगा? नियमों का उल्लंघन हो गया। अब क्या होगा? अब इसकी सजा तो मिलेगी ना, सजा तो मिलेगी, चाहे कुछ तो तकलीफ होगी इसको लेकर के। अब तकलीफ होगी तब तकलीफ को दूर करने के लिए आप पूजा करें, गंगा जल को पी लें, तो क्या होगा? इससे कुछ होने वाला है? सबसे बढ़िया क्या काम था? नियम को उल्लंघन मत करो, बस नियम को उल्लंघन मत करो। ये दुनिया देखो ना, हर जगह नियम ही है, सब जगह। परिवार में भी तो नियम है, आपको घर वालों के साथ कैसे व्यवहार करना है,
पति पत्नी एक दूसरे से कैसे व्यवहार करें, पिता पुत्र के, इस सब जगत नियम देखोगे तो आंख के अपने नियम, कान के अपने, पूरे जीवन नियम। मैं एक चीज बताऊं आपको, ये पूरी सृष्टि ही नियम से चलती है। सही कहो तो ये पूरी सृष्टि कैसे चलती है, नियम से चलती है। नियम से, जैसे दिन रात का होना कौन करता है, मौसम का परिवर्तन कौन करता है। पहले एक लोग को पूछो तो कहेंगे ये सब भगवान करता है, लेकिन आज के बच्चे कहेंगे नहीं, ये पृथ्वी में गति है, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य की, सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन साथ साथ में खुद भी घूम जाती है। अब देखो कितना सरल नियम है। अच्छा किसने बनाया है पृथ्वी का, जो सूर्य को चक्कर लगाना है, किसी ने ढकेला है पृथ्वी को, चलो घूमो कह करके। इतनी सी बात कोई समझ में आ जाए कि भाई किसी ने इतनी बड़ी पृथ्वी को ढकेला हो जोर से, और आज तक वो घूम रही है, ढकेलने वाले का पता ही नहीं है, और पृथ्वी अभी भी घूम रही है। कितना बड़ा सूर्य है जो साल भर लगता है उसको चक्कर लगाने में, साल भर, और एक बार में खुद घूम जाती है। तो एक बार जब अपने आप में घूम जाती है तो दिन और रात होते हैं, और साल भर जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो मौसम का परिवर्तन होता है, हो रहा है, तो नियम से तो हो रहा है ना। कभी आप देखें नियम को उल्लंघन करते, पृथ्वी को, सूर्य को, मौसम को, चंद्रमा को, ये वनस्पति जगत को देखे हो नियमों का उल्लंघन करते कभी? वो कहे बहुत दिनों तो हो गए, हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ता है, और हमको कार्बन डाई और ऑक्सीजन मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए ऑक्सीजन छोड़ना पड़ता है, अब हम स्ट्राइक करेंगे, ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे, कितने लोग जिंदा रहेंगे, सही है ना। कभी भी नियमों को उल्लंघन नहीं करते, किसी के लिए पक्षपात नहीं है। मैं कह रहा था कि सब कुछ, एक पत्थर है ऊपर फेंक दिए, वो नीचे आ गया, अच्छा क्यों आ गया। आज तो छोटे छोटे बच्चे इसको पढ़ते आ रहे हैं, बचपने से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूटन लेटा हुआ था, एक फल गिर गया और सोचा कि ये नीचे क्यों गिर गया, अच्छा ऊपर क्यों नहीं गया, बाएं दाएं क्यों नहीं गया। और इस खोज में उसने क्या सिद्ध किया, पृथ्वी में खींचने की क्षमता है, आकर्षण की क्षमता है, ग्रेविटेशन ऑफ लॉ, गुरुत्वाकर्षण का वो नियम उन्होंने निर्धारित कर दिया। इसका मतलब नहीं कि न्यूटन के पहले कुछ वो फल ऊपर चला जाता था, अरे नहीं, उसने बस बताया होता था, सदा से होता रहा है। जब हम पानी कहीं डालते तो नीचे की ओर बहने लगता है, आग जलाते तो ऊपर की ओर लपट उठने लगती, क्यों होता है, अरे वो उसके नियम है, सीधी सी बात है। अब बताइए इन्हीं सबको लेकर के हमारा जीवन खड़ा है, इसी में से थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी पानी, थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी आग, यही सबका स्ट्रक्चर बना है ना। वो आप लोग तो सब जानते हैं अच्छी तरह से, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। और सदगुरु कबीर तो बार बार कहते हैं पांच तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, बस। लेकिन एक बड़ी बात सदगुरु कबीर कहते हैं, एक कला के बिछुरे, जो एक कला है ना, बस यही कला हमें सीखना है। वही कला क्या है, उस कला का नाम अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन बात वही है, चाहे उसको समझ कहो, चाहे उसे परख कहो, चाहे उसे विवेक कहो, इसी के दबाव में बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छांव, सदगुरु कबीर ने कहा है। इसलिए कहते करे विवेक सोई जन्म, जो विवेक होगा ना वही सही समझदार है, वही भक्त है। खैर मैं ये कह रहा था नियम से होता है, तो नियम ये प्रकृति जो है कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है। तो कोई भी हो, जो संभावना, जो शक्ति बुद्ध और महावीर को मिली थी, कबीर और स्वामी शंकराचार्य को मिली थी, राम और कृष्ण को, ईसा और मोहम्मद को, वो शक्ति हम सबको भी मिली हुई है। ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था कर दी, हमारे लिए व्यवस्था नहीं है, प्रकृति पक्षपात कर रही है, ऐसा तो है ही नहीं है। सबके लिए वही अवसर है, वही संभावना है, लेकिन
बड़ी बात क्या है, उन लोगों ने जो लोग सफल हुए, अब सफल हुए का मतलब मैं थोड़ा सा और बताऊं, सफल होने का मतलब जो विभिन्न क्षेत्र हैं इस संसार में, हमारे आयाम तो बहुत है ना, और विभिन्न क्षेत्रों में जो सफल लोग हुए हैं उनके जीवन को देख लो, वे भी वही, उनको भी वही संभावना थी, चाहे वो खेल में, खेल जगत में सफल हुआ हो, चाहे संगीत में सफल हुआ हो, चाहे नृत्य में, अभिनय में सफल हुआ हो, चाहे राजनीति में सफल हुआ हो, चाहे व्यवसाय में सफल हुआ हो, चाहे वो साधना में सफल हुआ हो, सबके अंदर में जो शक्ति थी, जो संभावना थी, उन लोगों ने क्या किया, उस संभावना को वास्तविकता में बदला कर सकते हैं, उसको उन्होंने किया बस। और हमको क्या करते हैं, हम लोग उसका उपयोग ही नहीं करते हैं, हमें जो शक्ति मिली है, हमें जो संभावना है, उसका हम उपयोग ही नहीं करते हैं। जैसे ठंडी का मौसम अभी बीत गई, तो ठंडी के मौसम में ठंड का लगना कोई आश्चर्य की बात है, ठंडी का मौसम है तो ठंड तो लगना स्वाभाविक सी बात है ना, ठंडी के मौसम में ठंड लगे, लेकिन आश्चर्य कब है, ठंड का मौसम है और हम कांप रहे हैं, लेकिन कब, जब बाजू में रजाई है, कंबल है, ब्लैंकेट है, गर्म कपड़े रखे फिर भी ठिठुर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, भाई मैं बहुत परेशान हूँ ठंडी से, तो कोई कहेगा अरे बाजू में तो रखा है, ओढ़ लो ना, पहन लो ना। यही बात है, हम सब दुखी हैं, अशांत हैं, किसी कारण से, मैंने कहा ना कारण अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी कारण होगा, हो सकता है कोई पारिवारिक हो, शारीरिक हो, कोई व्यवसायिक हो, कुछ भी मानसिक हो, कोई भी कारण है जिससे आप परेशान हैं, तो ये कोई बात नहीं, परिवार और समाज और लोगों के बीच रहोगे तो कोई ना कोई समस्या आ ही जाएगी, इसको लेकर के आप परेशान हैं। लेकिन एक दूसरी बात कब है, जब आप में यह क्षमता है, आपके पास में वह स्थिति है कि आप उससे पार हो सकते हैं, उस समस्या से ऊपर उठ सकते हैं, इसके बावजूद आप रोए चले जा रहे हैं। यदि, मैं कई बार कहता हूं, यदि आप दुखी हो सकते हैं तो क्या आप सुखी नहीं हो सकते हैं? क्या आपको सुख पाने के लिए, शांत होने के लिए दूसरे जीवन की जरूरत पड़ेगी? नहीं जी, इस जीवन में तब सुख लिखा ही नहीं है, दूसरा जीवन मिलेगा तब हम सुखी हो सकते, ऐसा तो नहीं है। आप इसी जीवन में, और आप यदि रो सकते हैं तो आप हंस भी तो सकते हैं, कितना, आप देखिए, आप यदि दुखी हो सकते हैं तो आप सुखी भी हो सकते हैं, आप कटु बोल सकते हैं तो आप मीठा भी तो बोल सकते हैं। क्या कोई कह सकता है नहीं जी मैं तो जब बोलता हूं तब कटु निकलता है, मेरे मुंह से मीठा निकलता ही नहीं है? लेकिन आप क्या उस मिठास का उपयोग किए हैं, नहीं किए हैं? समस्या यही है। आप, मैंने कहा ना शुरू में क्या कहा था कि सबसे बड़ा जो वरदान मिला है क्या है, मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता, मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता आपको मिली है। और मैंने क्या कहा, आप यदि कटु बोल सकते हैं तो आप मीठा भी बोल सकते हैं। कोई आदमी चोरी कर सकता है तो वह दान भी कर सकता है, कोई किसी को सता सकता है तो वह आदमी किसी की सेवा भी कर सकता है, यह अवसर नहीं है क्या? हर समय, मैंने क्या कहा था कुछ देर पहले ही कहा था, कोई भी रास्ता होता है तो दो दिशा में होता है, आपके सामने हर समय अच्छा करने का भी अवसर है और गलत करने का भी अवसर है। आप ध्यान दीजिए, मैं एक चीज बताऊं तो और स्पष्ट हो जाए। जैसे कोई आदमी गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, कोई भी गलत काम करता है, जैसे वो सिगरेट निकाला और जलाया, उसी समय क्या एक अवसर रहता है, एक दूसरा अवसर क्या रहता है, वह सिगरेट न पिए। क्या न पीने की जो शक्ति है वो समाप्त हो गई है? क्या वह विकल्प खत्म हो गया है? जैसे आप
ये सड़क है तो सड़क के बाएं जा रहे हैं तो वहां से कभी भी लौट सकते हैं। सड़क से आप सीधे सीधे जा रहे हैं तो क्या सड़क से कभी भी लौटना कोई मुश्किल काम है? कभी भी लौट सकते हैं, आप कभी भी दिशा बदल सकते हैं। ऐसे ही जब भी कोई सिगरेट जलाता है उसी समय एक अवसर रहता है क्या? सिगरेट न पीने का। अच्छा, चुनाव क्या करता है? पीने का। ध्यान दीजिए, पीने का चुनाव करता है। कितनी बार किया? कई बार किया, हजारों बार किया वो सिगरेट पीने का काम, लेकिन हर बार अवसर क्या रहा? न पीने का अवसर मौजूद था, न पीने का विकल्प मौजूद था, लेकिन गलत का चुनाव करते चले जाते हैं, गलत काम करते चले जाते हैं और जीवन गलत निर्मित होता चला जाता है, परिणाम गलत आने। देखिए, कोई भी आदमी एक दिन में सफल नहीं होता और एक दिन में असफल नहीं होता। कोई बड़ी बीमारी एक दिन में नहीं आती और कोई आदमी स्वस्थ भी एक दिन में नहीं होता है। आज आपने मिठाई ज्यादा खा ली और कल डॉक्टर ने कहा आपको शुगर हो गया है, ऐसा तो नहीं होगा ना? इसके पहले आपने मिठाई खाई नहीं थी, पहली बार आज ज्यादा मिठाई खा गए और कल शुगर हो गए, नहीं है। आपका असंयम लंबे समय तक चलता रहा और उसका परिणाम क्या हो गया? बड़ी बीमारी। लेकिन आप उससे छुटकारा पाना चाहेंगे तो आप धीरे 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 उसका रिवर्स वापस करना शुरू कर दीजिए तो धीरे धीरे उस बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। मैं ये कह रहा था, हम सब में हर समय अच्छा करने की भी क्षमता है और गलत करने की भी क्षमता है। हम कभी भी गलत रास्ते पर जा सकते हैं और कभी भी सही रास्ते पर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब तो हम गलत रास्ते पर चल चुके, अब सही रास्ते पर कैसे चलेंगे, वो रास्ता ही बंद हो गया है। मनुष्य के लिए तो रास्ता बंद नहीं हुआ है, मनुष्य के लिए रास्ता बंद नहीं हुआ है, वो हर समय खुला है। ये तो मनुष्य की विशेषता है, इसीलिए इसको स्वतंत्र भूमिका कही जाती है, इसीलिए इसकी बातें कही जाती है। मनुष्य कभी भी सुधार ला सकता है। आप से, हम सब से कब से गलती हो रही है, कितनी बड़ी गलती हो गई है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? आप उस गलती को छोड़ सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, आप उस गलती को छोड़ सकते हैं। मैंने कहा ना, चाहे जितनी बड़ी गलती आपसे हो गई हो और चाहे जितने लंबे समय से हो रही हो, आप जब चाहें उस गलती को छोड़ सकते हैं। कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? एक मिनट से भी कम। एक मिनट से कम का मतलब जैसे ही संकल्प लिए बस ये काम नहीं, आज से ये काम। जीवन को बदलने में कितना समय लगता है? मैंने पढ़ी ये पुस्तक, आपकी जिंदगी सिर्फ एक मिनट में बदल सकती है और एक मिनट से भी कम समय लगता है। क्योंकि जैसे ही निर्णय लेते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है, अब मुझे ऐसे जीवन जीना है, जैसे बदले बस, जैसे ही निर्णय लिए जीवन बदलना शुरू हो गया। जैसे ही आपने, जैसे मैंने कहा ना, जैसे आप जा रहे थे फैजाबाद की ओर, फैजाबाद की ओर और दूर चले गए वहां तक के, या बाराबंकी और आगे तक चले गए, अचानक मन में हुआ अरे नहीं, मैं दिल्ली जाऊंगा। अब क्या हो गया? समझ गए ना? जैसे निर्णय लिए नहीं दिल्ली जाना है, अब तुरंत यू टर्न ले लिए, मुड़ गए, दिशा बदल गई ना। तब क्या हो गया? मंजिल ही बदल गई, उसका परिणाम ही बदल गया। फिर अब निर्णय लिए आप ही तो लिए, एकदम बदल गया। हम में से तो बहुत कम लोग हैं जो अच्छा जीवन जीने का निर्णय ही नहीं लेते। सच तो यह है, संकल्प ही नहीं लेते हैं कि मैं एक सुख शांतिमय जीवन जीऊं, इसके लिए कोई संकल्प ही नहीं लेते हैं। आदमी सोचते ही नहीं इसके विषय में, कहां से हो जाएगा? वो सोचते हैं बस अब तो जीवन ऐसे ही बीत रहा है, हम वैसी चलते चलेंगे। नहीं, मैंने कहा ना, देरी कभी भी नहीं थी। जैसे कल सुबह सूर्य निकलेगा, सुबह सूर्य उदय होगा, एक दिन फ्रेश मिलेगा, नया दिन मिल गया ना। रोज नया दिन मिलता है हमको,
उस नए दिन की शुरुआत या उस नए दिन को कैसे जीना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हर दिन हमें मिलता है, रोज नया दिन मिलता है, हम आज दिन को कैसे जिएं, जीवन को कैसे निर्मित करें, दोनों ढंग है, अच्छा भी निर्मित कर सकते हैं, गलत भी निर्मित कर सकते हैं। और रोज रोज अवसर, रोज की तो बात तो छोड़ दीजिए, हर क्षण। हमारे बड़े गुरु भाई एक संत हुए जिनकी पुस्तक हमारे संस्थान से कहीं प्रकाशित भी होती है, अब अभी भी होनी चाहिए वो पुस्तक, तो मेरे ख्याल से भजन प्रवेशिका। हमारे बड़े गुरु भाई थे पूज्य संत श्री निर्बंध साहेब जी, उनके भजन बहुत अच्छा गाते भी थे, मृत कई बार उनके साथ रहने का मौका मिला, गाते भी थे और साधक तो थे ही अच्छे, तो उन्होंने भजन भी लिखे, गुरुदेव जी के साथ भी मिलकर के एक भजन उन्होंने बनाया है। बहरहाल जिस भजन की याद आई उसको मैं कहता हूँ कि आप को बदलने के लिए हर अवसर है, हर समय अवसर मिलता है। उनकी पंक्ति है, हर क्षण तुम्हें समय है, निज स्थिति करण को, प्रातः शाम वो दोपहर सद्गुण हिए भरण को। हर क्षण तुम्हें समय है, जैसे अभी अभी जो क्षण है क्या ये अशुभ है? गुरुदेव जी कहा करते थे हर घड़ी शुभ घड़ी। क्या कहना है? हर घड़ी शुभ घड़ी, कोई भी क्षण अशुभ होता है। APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बनाए गए तो पूछे, कुछ लोगों ने पूछा होगा, अच्छा आप राष्ट्रपति भवन में कब प्रवेश करेंगे, या फिर पूछे कि आप शपथ कब लेंगे, कौन सा दिन, कौन सी तिथि, कोई शुभ तिथि। उसने कहा कमाल की बात है, आप पृथ्वी चक्कर लगाई है सूर्य की, सूर्य का चक्कर लगा रही है, और बस इसमें कौन सा शुभ, कौन सा घड़ी खराब हो गई है, सब समय सही है, कभी भी जा सकते हैं। क्योंकि वो तो भाई वैज्ञानिक आदमी थे, मिसाइल मैन थे, अब बताइए उनकी समझ में है। हाँ, आजकल के नेता लोग बड़े कमजोर होते हैं, वो लोग तिथि निकालते रहते हैं, पत्र निकालते रहते हैं, लेकिन सही समझ वाले नहीं निकालेंगे। मैं ये बता रहा था कि हर घड़ी शुभ घड़ी, जीवन को बदलने के लिए आप कभी भी निर्णय ले और बदल सकते हैं। प्रातः शाम वो दोपहर सद्गुण ही भरण को, क्या आप अपने जीवन को सद्गुण, जीवन में सद्गुण लाने के लिए, मैं इसको बताऊं, आपको धैर्यवान होने के लिए, सहनशील होने के लिए, विनम्र होने के लिए, किसी की गलती को क्षमा करने के लिए या अपनी गलती को क्षमा मांगने के लिए कोई अवसर, कोई क्षमा है, कोई समय है जो अशुभ है? बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते? मैंने अभी कहा था ना, यदि आप कटु बोल सकते हैं तो आप मीठा भी बोल सकते हैं। एक बार मैं ये उदाहरण, जब ये प्रसंग कभी कभी कहता हूँ तो ख्याल आता है, मैं छत्तीसगढ़ में था, एक जिला में था, शहर में, तो एक घर में था जो इंजीनियर, अभी भी है इंजीनियर, अब की साल तो फिर जाना हुआ था उनके घर, तो पत्नी और वे और छोटी सी बिटिया थी, अब तो बिटिया बड़ी हो गई है, और उनकी दादी उधर बैठी थी और कुछ भोजन की व्यवस्था हो रही थी, ऐसे ही बैठने गए थे, बुलाए थे, तो उनसे बातें मैं करने लगा, चूंकि इंजीनियर उनकी पत्नी दोनों बैठे थे और मैं जीवन सुधार के बारे में बोल रहा था, जीवन सुंदर कैसे बने, क्या करना है। बाजू में दादी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा, जब बातें सुनी, साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, हम कैसे जीवन को सुंदर में, ये जो बातें बता रहे हम कैसे करेंगे इस चीज को। मैंने कहा माता जी, जीवन को सुंदर बनाने के लिए पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिना पढ़े लिखे भी आप जीवन को अच्छा बना सकती हैं। मैंने कहा कि उस समय तो ख्याल नहीं कि ये बात मैंने कही तो नहीं, लेकिन वो जब भी ख्याल आया मैंने इसको कहा, फिर कि ये कहा कि कोई आदमी बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना शुरू कर सकता है तो बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना छोड़ भी तो सकता है। कोई ये कहे मैं तो अनपढ़ आदमी था तो इसलिए बीड़ी पीना शुरू कर दिया, अब बीड़ी पीना छोड़ना है तो पढ़ना लिखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना नियम, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। जब आप अनपढ़ थे और बीड़ी पीना शुरू कर दिए तो आप अनपढ़ रहते रहते बीड़ी पीना छोड़ भी सकते हैं।
आप पढ़े लिखे नहीं है इसलिए गाली देते हैं, तो क्या गाली छोड़ने के लिए पढ़ना लिखना पड़ेगा? नहीं, जीवन बदलने, मैंने कहा ना, जीवन बदलने के लिए न तो पढ़ना लिखना है, न बहुत, न उसके लिए धन चाहिए, न पद चाहिए, क्या चाहिए? मन चाहिए, संकल्प चाहिए, भाव चाहिए, आपको ये लगना चाहिए कि मैं सही जीवन जीऊं, अर्थात मेरे शब्द सही निकले, मेरे विचार सही हो, मेरे व्यवहार सही हो। देखिए जरा से कैसे नहीं बदलेगा जीवन। और हर काम के समय, मैंने कहा ना, हर काम कोई भी करते हैं, एक तरीका गलत है, एक तरीका सही है, आपके ऊपर है। झाड़ू ही लगाना है तो एक गलत तरीका होगा, आप लोग सब जानते हैं, एक का मन नहीं है झाड़ू लगाने का, तो झाड़ू भी लगाएंगे लेकिन बीच बीच में रेखा छोड़ते चले जाएंगे, क्या कहेंगे, किसी भांति पिंड छूटे, हटाओ। अब वो काम को आप पिंड छुड़ाने के लिए करेंगे तो बढ़िया नहीं होगा। इसी प्रकार से मन नहीं है, भोजन बना रहे हैं, चाहो कच्चा पक्का बना दे तो क्या होगा, लेकिन एक सही तरीका और मन से करते हैं भाई, भोजन बढ़िया हो जाता है हर काम के लिए बस। और ये पूरा आप जीवन के लिए क्यों नहीं सोच लेते हैं? क्योंकि गलत तरीके से जीवन जिएंगे और अच्छा आपके सामने दिख भी रहे हैं, लोग दिख रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आप शराब पी करके अनुभव करें कि चलो पी करके देखते हैं क्या होता है। अरे शराब पीने वाले के जीवन को तो देख रहे हो, देख रहे नहीं देख रहे हो क्या परिणाम आ रहा है? बस लोगों को देख करके सीखो, लोगों की अच्छाइयों को देख करके सीखो और लोगों की गलतियों को भी देख करके सीखो। सीखने का लिए चारों तरफ, गुरुदेव जी कहते हैं यदि सीखने का ढंग हो ना तो पूरी प्रकृति पुस्तक है, पूरी प्रकृति शिक्षा दे रही है, उपदेश दे रही है, पूरी सृष्टि, सब लोग, अच्छे लोग अपने ढंग से शिक्षा दे रहे हैं और गलत लोग अपने ढंग से शिक्षा दे रहे हैं। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, ये बहुत पुरानी बात होगी, वहां कनाडा की बात है, टोरंटो की कहानी कही जाती है वहां कि दो भाई थे, दो सगे भाई, एक भाई शराबी, शराब पी करके आता, पत्नी को बच्चों को मारता पीटता चिल्लाता, मोहल्ले में हल्ला मचाता, पूरा वातावरण को विषाक्त बना देता। लेकिन जो दूसरा भाई था सब काम बढ़िया करता था, उनका परिवार बहुत बढ़िया, सुखद परिवार, सुखी परिवार, व्यवसाय बढ़िया उनका, उनका समाज में अच्छी प्रतिष्ठा, तो उनको सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक प्रतिष्ठा, सब जगह बढ़िया, हर काम बढ़िया करता था। लोगों ने सोचा कि ये दोनों सगे भाई हैं, एक ही माता पिता के द्वारा पाले पोसे गए हैं, एक ही वातावरण में रहे हैं, ये बड़ा विचित्र, दोनों में विपरीत व्यवहार कैसे होता है? अच्छा चलो चलते हैं पता करते हैं। कुछ लोग गए छोटे भाई के पास में, गए और कहते हैं भैया आप ऐसा क्यों करते हैं, रोज शराब पी करके आते हैं, पत्नी बच्चों को मारते पीटते हैं, हल्ला मचाते हैं और पूरे मोहल्ले के लिए आप आफत मचा देते हैं, आखिर में यह सब करना कहाँ से सीखे? उन्होंने कहा आप सब तो जानते हैं, जब हम लोग छोटे थे तो पिताजी शराब पी करके आते थे और हम लोगों को मारते पीटते चिल्लाते थे, आखिर मैं अपने पिता ही से तो सीखा हूँ, उन्हीं के तो फोटोकॉपी हूँ, कहीं अलग थोड़ी हूँ। उसने कहा बात तो सही है, इनके पिता भी यही किया करता था। लोगों ने कहा ठीक है भैया, लेकिन किए तो हो, अब सोचे जैसे चलो उस भाई से पूछें, क्योंकि तब भी तो उनका पिता पिता था। बड़े के पास गए, उनसे पूछा भैया आप हर काम अच्छा कैसे करते हो, परिवार के साथ बढ़िया व्यवहार और व्यवसाय भी आपका बढ़िया और आपके समाज में भी अच्छी प्रतिष्ठा है, आखिर सब इतना अच्छा काम करना कहां से सीखे? उसने क्या उत्तर दिया? पिताजी से। क्या कहा? पिताजी से। लोगों का आश्चर्य, अभी तो शराबी ने कहा पिताजी से सीखा और ये क्या कह रहे हैं, पिताजी से अच्छा काम करना सीखा, पिताजी से? उन्होंने कहा हाँ, जब हम लोग छोटे थे तो पिताजी शराब पी करके आते थे, हम लोगों को माँ को मारते पीटते चिल्लाते हल्ला मचाते थे, मैं उसी समय निर्णय ले लिया था कि ऐसी गलती मैं जीवन में कभी नहीं करूंगा। समझ रहे हैं ना?
शिक्षा की कमी है। आप बदलना चाहते कि नहीं, महत्वपूर्ण यह है। अच्छे लोगों से अच्छे की शिक्षा और गलत लोगों से यह शिक्षा लेनी है, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। ये सुकरात के लिए बात आती है। सुकरात के लिए कि एक बार लोग, उनके बहुत प्रसिद्ध महापुरुष थे सुकरात, उस समय के कबीरी कहना चाहिए, लोगों प्रश्न पूछ पूछ करके आंदोलित करते थे। पूरा पूरा ये हो गया कि समझ लीजिए पूरा सत्ता पक्ष और पूरा पुरोहित पक्ष परेशान हो गए, अंत में उनको जहर ही दे दिए। वो एथेंस नगरी के महान सुकरात, लोगों ने पूछा, ज्ञानी महाज्ञानी पुरुष थे वो सचमुच। एक बार किसी ने कहा कि आप बहुत ज्ञानी हैं, उसने कहा हाँ सचमुच मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं अपने अज्ञान को जानने लगा है। तो उन्हीं के बारे में बात आती है कि लोगों ने कहा, अच्छा आप इतने बड़े ज्ञानी पुरुष, आपके गुरु कौन थे? पूछा गुरु कौन थे, उसने क्या कहा, मेरे गुरु के बारे में जानना चाहते हो? मेरे गुरु, ये दुनिया में जितने मूर्ख लोग हैं ना, सब मेरे गुरु हैं। लोगों ने कहा गजब की बात कहते हो, इतना विनोद क्यों करते हो, आप इतने ज्ञानी और आपके गुरु मूर्ख कैसे हो सकते हैं कि मानो मेरी बात। मैं देखता हूं कि लोग इनको मूर्ख क्यों कह रहे हैं, इसने कौन सी ऐसी गलती की है जिसके नाते लोग इनको मूर्ख कह रहे हैं, बस वही गलती मैं नहीं करता, बस वही गलती मैं नहीं करता। अवसर है कि नहीं जीवन में, गलती छोड़ने के लिए कभी भी देरी नहीं होती है। लेकिन महत्वपूर्ण है, क्या आप गलती छोड़ना चाहते हैं या गलती में जीवन बिताना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं लोग छोड़ना अच्छे पद पर। हर समय, मैंने कहा ना, हर समय खुला हुआ है वो रास्ता, कभी भी जीवन में यू टर्न ले सकते हैं, कभी भी आप सही बोलना शुरू कर सकते हैं, सही करना शुरू कर सकते हैं, सही सोचना शुरू कर सकते हैं, और नए काम को अच्छे काम को जोड़ करके जीवन को आप सुंदर बना सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, क्या आप चाहते हैं? फिर से कह रहा हूं, हम यदि दुखी हैं तो हम नहीं चाहते कि हम सुखी होना, और बताऊं थोड़ा सा कठोर है, हम यदि बीमार हैं तो हम नहीं चाहते कि हम स्वस्थ होना, ये थोड़ा कठोर है। हर कोई चाहता है, मैं सही बता रहा हूं, हर कोई सुखी होना चाहता है। हम अशांत हैं, हम नहीं चाहते कि हम शांत हों, और यदि चाहते हैं तो पूछा जाएगा कौन रोक रहा है, फिर आपको कौन रोक रहा है बताओ? तब वही फिर बात मैंने कही ना, ये घर वाले ना, ये पत्नी, ये पति। फिर से कह रहा हूं, दूसरों को दोष दे करके आप कभी भी जीवन में अच्छा नहीं कर सकते, सफल नहीं हो सकते। यदि आप जीवन में थोड़ी भी ऊंचाई में उठना चाहते हैं, थोड़ी भी जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, तो आज एक निर्णय ले लो। क्या निर्णय ले लो? कि मैं अपने जीवन में जो कुछ हो रहा है, और इसी को कहते हैं जीवन की जिम्मेदारी लो, जीवन की जिम्मेदारी लो। कितने प्रतिशत जीवन की जिम्मेदारी लेना चाहिए हमको? कितने प्रतिशत लेना है जीवन की जिम्मेदारी? मैं बताऊं, 100%। लिखे एक लेखक ने, मन चाहे सफलता कैसे पाए पुस्तक है, उसमें उन्होंने पहला सूत्र लिखा है, 25 सूत्रों में से पहला सूत्र क्या लिखा है, जीवन की 100% जिम्मेदारी लें। अब आप कहेंगे नहीं जी, 33% मिलता है तो भी पास हो जाता है आदमी, 60 में तो फर्स्ट डिविजन आता है। उन्होंने क्या लिखा है, 99 से काम नहीं चलेगा, समझ रहे ना, 99% मिलने पर भी काम नहीं चलेगा, 100% जिम्मेदारी लेनी है। और 100% जिम्मेदारी लेने का मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी कहा कुछ देर पहले ही, जो कुछ भी जीवन में हो रहा है, मुझे मिल रहा है, मैंने कहा ना, सुख दुख हानि लाभ स्वास्थ्य बीमारी मान अपमान हर्ष सुख जो भी, उसके लिए मैं किसी दूसरे को दोष नहीं देता, ये जिम्मेदारी लेना है, और बहाना नहीं बनाता। हम सब बहुत बहानेबाज लोग हैं। कुछ हो, अच्छा रोज ध्यान कर पाते हो, कुछ स्वाध्याय कर पाते हो, क्या बताएं, समय नहीं मिलता है, अच्छा बताओ बहाना है कि नहीं है? यदि आपको किसी सिस्टम से कोई संस्था या कोई सरकार ऐसा कहे, यदि रोज जो सुबह पुस्तक पढ़े, रोज आधा घंटा कोई पुस्तक पढ़े, उसे 10,000 का पेमेंट दिया जाएगा महीना, कितने लोग पढ़ना शुरू कर देंगे? समझ गए ना,
अच्छा समय समय कहाँ से मिल गया, समय कहाँ से मिल गया, 25 मिनट 25 घंटा मिल गया, भगवान ने दिया एक्स्ट्रा समय को प्रोवाइड किया है क्या, उतने ही समय है लेकिन फिर भी अब 10,000 रुपये मिलेगा ना। सद्गुरु विशाल देव ने कहा लाभ जानी सब कुछ करे, प्रसंग दूसरा है लेकिन लाभ जानी सब कुछ करे, क्या आपको स्वाध्याय में लाभ दिख रहा है, साधना में लाभ दिख रहा है, मीठा बोलने में लाभ दिख रहा है, सही बोलने में लाभ दिख रहा है, नहीं कटु बोलने में लाभ दिख रहा है, आज तो मजा चखा हूं उनका, आज तो बस ऐसा बोलूं, सही है कि नहीं है, लाभ दिखे क्षमा करने में, लाभ दिखे प्रेम करने में, लेकिन अभी देख रहा है क्रोध करने में लाभ दिख रहा है, तो फिर करोगे ही, करोगे ही इस समय। तो जीवन बदलने के लिए हमें सब समय हमारा दरवाजा खुला है, सही कर सकते हैं, हम ऐसा बहाना बनाते हैं तो काम नहीं, इसलिए एक काम कर सकते हैं जीवन की ऊंचाई पर उठने के लिए, आज से लोगों को दोष देना बंद कर दो। क्या मैं ये नियम बना रहा हूं किसी के लिए, एक नियम तो पहले, नियम तो शाश्वत है, और नहीं मानते तो कबीर साहब ने कहा भी है, आपको सबको याद है ना, कक्षा 3 से पढ़ते आए हैं, बुरा जो ढूंढन, अब तो सबको याद है, याद है कि नहीं है, बुरा न मिलिया और क्या कहते हैं, मुझसा बुरा न, पता है कहाँ है ये, हमारे ओठ का ज्ञान है। सचमुच हम मानते क्या है, मैं क्या है बता दूं इस चीज को, जो हम सचमुच मानते हैं, देखो बोलना कि बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई, ये कबीर के लिए तो सही हो सकते हैं लेकिन अभी हमारे लिए सही नहीं है, हम भी सही कर सकते हैं इस पंक्ति को, लेकिन अभी हम क्या सच कर रहे हैं, दूसरे के दोषों को देखने के लिए जो हमारी आंखें ना हजार हो जाती हैं, और अपने दोषों को देखने के लिए जो दो आंखें वही फूट जाती हैं, यही तो है ना जीवन, तो यही हो रहा है, एक होता है आदर्श और दूसरा होता है यथार्थ। आदर्श का मतलब है वह जो हम होना चाहते हैं, ये होना चाहते हैं कि जिस दिन मेरे चित्त की दशा हो कि मैं किसी के किसी को बुरा न मानूं, किसी के बुराई न देखूं, जब देखूं तब मैं गुण, ये आदर्श है। यथार्थ क्या है, ये बुराई देख रहे हैं, सही है ना, मैंने क्या कहा, संभावना है कि आप गुण देख सकते हैं, है अवसर, मैंने कहा ना गलत लोगों से भी आप मुझसे सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयां उनमें हैं जो आप ले सकते हैं, लेकिन आप हर समय अवगुण, मैंने कहा ना एक पेड़ है, पौधा है, फूल का, फूल भी है कांटे भी है, फूल भी है कांटे भी है कि नहीं है, देखते हैं ना बागों में जाए तो, लेकिन कुछ लोग क्या वर्णन करें, देखो तो सही कांटों से भरा ये पौधा है, फूल तो दो चार लगे हैं, ये भी देख कहने का ढंग है ना, लेकिन हम में से कुछ लोग कह सकते हैं देखो तो सही इन कांटों के बीच में कितने सुंदर फूल खिले हैं, और जो फूलों को देखेगा उनकी आंखों में फूल बस जाएंगे, और जो कांटे देखते रहेंगे उनकी आंखों में कांटे बस जाएंगे, आप चाहते क्या है। कबीर हम सब ते बुरे हम ते भल सब कोई, जिन ऐसा करी जानिया मीत हमारा सोए, इसलिए दूसरों को दोष नहीं, मैं असफल हूं मैं जिम्मेदार, मैं बीमार हूं मैं जिम्मेदार, मैं अशांत हूं मैं जिम्मेदार, किसी भी क्षेत्र में जब आए अब तो क्या होगा, तब आप खंगालेंगे अंदर जाकर के, कुछ तो गड़बड़ी हुई उसे मुझे ठीक करना है, आप दूसरों को बदल ही नहीं सकते, आप मानेंगे दूसरों को दोष देंगे वो ठीक हो जाए तब मैं ठीक होऊंगा, कहते हैं ना ननो मन तेल जुटेगा ना राधा नाचेगी, सही है ना, नहीं नाचेगी, काहे को ठीक होगा और काहे आप ठीक होंगे, दूसरे को आप ठीक कर ही नहीं सकते हैं, किसी ने किया है दूसरों को, आप खुद को ठीक कर लीजिए बस, और जिस दिन आप बदलते हैं ना दुनिया बदल जाती है, क्या कहा, आप बदलते हैं, कहते हैं ना हम बदलेंगे, देखो सूत्र सबको याद है, कि ऐसे नहीं कि मैं ही जानता हूं, सूत्र सबको याद है,
हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, गजब की बात है। चलो मैं एक कहानी कहूं और समाप्त करूं, समय पूरा हो गया है। ये बहुत पुरानी कहानी है, दोहरा देता हूं। एक छोटा बच्चा था, पिताजी की प्रतीक्षा में बैठा हुआ था कि पिताजी आए तो उनके साथ खेलूं, ऑफिस से जब लौटे तो उनके साथ खेलूं, क्योंकि वो ऑफिस में काम में इतने व्यस्त रहते हैं उनके साथ खेलने का अवसर ही नहीं मिलता। तो इंतजार करता रहा, पिताजी आए, लेकिन आए तो जानते हैं, उनके पापा आए तो बहुत सारा रजिस्टर और फाइल को बस्ता लेकर के आए। तो कहा, पापा पापा मुझे आपके साथ खेलना है। उसने कहा, बेटा मैं ऑफिस का बहुत अधूरे काम है उसको लाया हूँ घर में करने के लिए, तुम और खेलो अपने साथियों के साथ। नहीं नहीं, मुझे आपके साथ खेलना है। अब कहते हैं ना, बाल हट। वो तो परेशान हो गया। आप सोचिए कि क्या बताऊं, इससे कैसे पिंड छुड़ाऊं। तो उसमें सामने एक टेबल था, उसके ऊपर एक पत्रिका रखी थी, मैगजीन, उसमें विश्व का नक्शा छपा हुआ था। उसको उसने फाड़ लिया और फाड़ करके कई टुकड़े में फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े में, और कहा, बेटा ये जो विश्व का नक्शा है ना, इसको फिर से जोड़ दो, सेलोटेप ले लो और चिपका करके फिर से विश्व के नक्शा को जोड़ करके लाओगे तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। देखिए वो क्या चाहता था, किसी भांति बलट टले, काहे कि ये जोड़ पाएगा और काहे कि मुझे खेलने के लिए आग्रह करेगा। तो बच्चे को तो जुनून था कि मैं पापा के साथ खेलूं। ले गया कागज के टुकड़ों को और जोड़ना शुरू किया। 10 से 15 मिनट में वो जोड़ के ले आया, कहे, पापा जी जोड़ लिया। उसने कहा, कैसे इतना जल्दी जोड़ लिया, लगता है तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, सीखना पड़ेगा तुम ही से मुझे, कैसे इतना विश्व को नक्शा कैसे जोड़ लिया। पता है ना, भारत कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ, अमेरिका कहाँ, बड़ा कठिन है, आप में से शायद ही कोई जोड़ पाए, बहुत कम लोग जोड़ पाएंगे, जो उसके ज्ञाता है वही जोड़ पाएंगे। उसने कहा, जोड़ के ले आया और दिखाया। अरे कैसे, बताओ तो सही, इतनी जल्दी कैसे जोड़े। उसने कहा, पापा बहुत सरल है। अरे बताओ तो सही कि देखो, आप कागज दिए थे ना, एक तरफ तो विश्व का नक्शा था, लेकिन जो दूसरा पेज था ना, उसमें एक आदमी का चित्र था। मैंने क्या किया, केवल आदमी को ठीक किया, मुझे पता है ना सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, केवल आदमी को ठीक किया। और जब पलट के देखा तो क्या हुआ, विश्व का नक्शा ठीक हो गया था। वो आदमी कौन था पता है, आप और हम, समझ गए। जिस दिन हम अपने आप को ठीक करते हैं,